हाय गाइस, आज की जो रेसिपी है वो सबका फेवरेट और बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, जो कि है चिकन चीज़ी मोमोज और चिकन चीज़ी डम्पलिंग्स। इसे हम घर में ही बनाने वाले हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल, जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाला है। इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक कप मैदा ले लेंगे, थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक, दो चम्मच रिफाइंड ऑयल, उसके बाद सभी चीजों को अच्छे से मिला ले। मिलाने के साथ आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए और इसका डो बना लीजिए। हमारा डो रेडी हो चुका है, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। चिकन के स्टफिंग के लिए हमने बोनलेस चिकन लिया है, अब हम इसे बॉईल करेंगे। हमारा चिकन थोड़ा बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर भी डाल दीजिए और साथ ही थोड़ा जीरा पाउडर, बारीक से कटा हुआ प्याज, हाफ स्पून विनेगर और साथ ही थोड़ा डार्क सोया सॉस भी डाल दीजिए। सभी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। हमारा डो कंप्लीटली रेडी है, हम इसे थोड़ा और सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। उसमें से एक बॉल लेंगे और सूखा मैदा लगा के इसे बेल लेंगे। अब हम इसमें फिलिंग ऐड कर देंगे। और मोज़रेला चीज़ का एक क्यूब, कुछ इस तरह मोमोज का प्लेट्स बना लीजिए। एक के ऊपर एक प्लेट्स बनाते जाइए। स्टीमिंग प्लेट को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे मोमोज चिपके ना। अब हम इसमें मोमोज रख देंगे। अब हम मोमोज को मीडियम फ्लेम में 10 टू 15 मिनट्स तक स्टीम होने देंगे। हम
हमारा मोमोज रेडी हो चुका है।